हम तो कह रहे हैं कि अगर मर्द हैं मोदी जी योगी जी तो उत्तर प्रदेश में किस अपराधी के खिलाफ माफिया के कितना केस है इसकी सूची 24 घंटे के अंदर जारी करें। ये खुला चैलेंज है, ये हुंकार है, ये ललकार है। हिम्मत है तो सूची जारी कीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन माफियाओं को संरक्षण दे रहा है और कौन कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म की आड़ में लोगों से बदले लेता है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन क्यों करेंगे, कार्रवाई तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर होगी जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। छापे उसी के घर पर पड़ेंगे जिससे उन्हें हार का डर है। तभी तो ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर कह रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो माफियाओं की सूची जारी कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन माफियाओं के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ। हम तो कह रहे हैं कि अगर मर्द हैं मोदी जी योगी जी तो उत्तर प्रदेश में किस अपराधी के खिलाफ माफिया के कितना केस है इसकी सूची 24 घंटे के अंदर जारी करें। ओपी राजभर यही नहीं रुके, बुलडोजर वाली सरकार को आईना दिखाते हुए उन्होंने ऐसा लपेटा कि बीजेपी नेताओं के पास इसका जवाब ना कभी था और ना कभी होगा। राजभर ने खुला चैलेंज किया, हिम्मत है तो लखीमपुर में किसानों के अपने अहंकार के कारण गाड़ियों से कुचलने वाले शहजादे के ऊपर बुलडोजर चला के दिखाइए। उनका मालूम हो जाएगा कि बुलडोजर कहाँ चलेगा, कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर लखीमपुर में। चार चार किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके अजय मिश्रा ट्रेनी का बेटा चार किसानों की हत्या किया। ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर बीजेपी की करतूतों का पर्दाफाश किया, बता दिया कैसे पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक योगी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साइडलाइन करने के लिए अमित शाह के सह पर ये सब किया जा रहा है। योगी जी को बदनाम करके योगी जी को खत्म करने के लिए ये अमित शाह और मोदी काम कर रहे हैं। वो जो व्यंग बोले है ना कि यूपी प्लस योगी तो अनुपयोगी कह रहे थे। जाहिर है बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है, सत्ता के नशे में चूर सत्ता के मठाधीशों को ये लगने लगा है कि योगी को अगर आगे किया, अगर उन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रखा तो बीजेपी को इज्जत बचाने लायक सीटें भी जनता नहीं देगी। वैसे सच भी है, जो सीएम दिन रात सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करता हो, जो रोजगार मांगने पर युवाओं को धर्म का लॉलीपॉप देता है, वो उपयोगी नहीं अनुपयोगी ही हो सकता है। अनुपयोगी हैं, इस नाते अनुपयोगी हैं कि 16 परीक्षा कराए, 16 का पेपर लीक हो गया, जब ये लीकेज नहीं बंद कर सकते, ये ललका सांड को रोक नहीं सकते, ये नौजवानों को रोजगार दे नहीं सकते, ये महंगाई पे काबू कर नहीं सकते, तो किस बात के उपयोगी हैं? ओम प्रकाश राजभर ने आज मानो ये ठान लिया था कि बीजेपी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर ही दम लेंगे। वैसे उन्होंने जो भी बातें कही उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है, और अब तो जनता भी कह रही है, क्योंकि एक ऐसा सीएम जो ना तो रोजगार दे सकता है, ना ही परीक्षा का पेपर लीक होने से रोक सकता है, जो कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ना किया, उसे उपयोगी कहना ही बेमानी होगी। बहरहाल जनता ने देखा कि कैसे बीजेपी ने किसानों के हत्यारे के पिता को खुलेआम छूट दे रखी है। कार्रवाई तो छोड़िए, किसी भी बीजेपी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि अजय मिश्र टेनी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। तभी तो जनता ने ठाना है 22 में बाइसिकल को लाना है।